आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन किस तरीके से चालू कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल राहुल जोन में। तो दोस्तों ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम रास्ते में होते हैं, कोई हमको अपना नंबर नोट करा रहा होता है तो हमारे पास कॉपी पेन नहीं होता है, तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग अगर हमारे पास चालू है तो उसमें हम ऑटोमेटिकली हमारा जो है वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा और वो नंबर जो अगर आपको रिपीट कर रहे हैं तो वो नंबर भी आपका उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो किस तरीके से आपको ये चालू करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल के डायल पैड में आ जाना है। इस तरीके से आप अपने मोबाइल के डायल पैड में आ जाएंगे। डायल पैड में आने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है, अभी मैं सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको तीन डॉट्स ऊपर दिख रहे हैं, इस पर इस तरीके से आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का, तो आपको इस तरीके से ये सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड्स कॉल, तो आपको यहाँ पे ये जो है रिकॉर्ड्स कॉल के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन, सेकंड आता है ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स का ऑप्शन है अभी वो बंद है, तो इस तरीके से हमको ये ऑन कर देना है। यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो आपको कन्फर्म कर देना है। अब जो है आपका ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का जो है ऑप्शन चालू हो गया है। अगर आप किसी को भी कॉल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है कॉल जो रिकॉर्ड होगी। उसके बाद जो आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिल रहा है स्टोरेज लोकेशन, जो आपका रिकॉर्ड होगा, कॉल रिकॉर्ड होगा, तो आप उसको किस चीज़ में, अगर आपके मोबाइल में कार्ड लगा हुआ है तो आप कार्ड में स्टोरेज कर सकते हैं या फिर मोबाइल का जो इंटरनल मेमोरी होता है उसमें कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक का बटन दबाकर हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में ये बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।